एक वक्त था जब मैंने लिखना शुरू करा था, वो मेरा पहली बार था। और कमाल की बात ऐसी है कि मुझे पता कैसे चला कि मैं लिख सकती हूँ। मुझे कविताओं से सख्त नफरत थी। हाँ, मैं आज राइटर हूँ, लेकिन एक टाइम था जब मुझे कविताओं से सख्त नफरत थी और मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था ये चार लाइनों में हजार बातें बोल देना। आप कैसे ये कह सकते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं भी है? क्या तो हुआ इसका? धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल में हुआ करती थी और मेरे स्कूल के हाईएस्ट अथॉरिटी ने एक बार स्कूल असेंबली में अनाउंस किया था कि पांच ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बनाए ही नहीं जा सकते, नॉन इंग्लिश वर्ड्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट, इनके ऊपर कविता लिखनी है। और उस टाइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पढ़ के बस थोड़ा सा इंस्पायर हुई ही थी, वो आज भी है इधर। आई गॉट अ टैटू लास्ट ईयर, इस बात को एक साल होने वाला है, बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पढ़ के मैं थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे पांच शब्द हैं जो इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते और आपको कविता लिखनी है। मैं भी उसी कतार में बच्चों की खड़ी हुई थी, कहीं पीछे किसी कोने में दोस्त से कोई बात बात करती, क्योंकि मैं नहीं हूँ अच्छी बच्ची। स्कूल में अच्छा बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा लगता है, बाकी सब करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अरे लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैंने भी कुछ भी लिख ही दिया, लिटरली मैंने कुछ भी लिखा। और उसके बाद उस कविता के लिए मुझे स्कूल का बेस्ट पोएट अवार्ड मिला और आज तक वो अवार्ड किसी और को नहीं मिला है। तो आई वॉज द ओनली वन हु गॉट इट एंड स्टिल ओन द रिकॉर्ड फॉर द बेस्ट पोएट ऑफ द स्कूल। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरी जर्नी पांच ऐसे शब्दों से शुरू हुई जो अंग्रेजी की डिक्शनरी में होते ही नहीं हैं। तो शुरुआत सबकी होती है कहीं ना कहीं से, और अगली शुरुआत करने के लिए मैं एक दी एंड का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि जब शुरुआत होती है, शुरुआत होने के लिए कुछ ख़त्म होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। मेरा डर ख़त्म हुआ तो मैं लिखना शुरू करा।